टाइप ऑफ फ्यूज, ओके, ये आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बस आप लोगों को नाम जरूर ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ एक आपके इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एचआरसी फ्यूज, जिसको हम अलग से लेंगे, क्लियर है, जिसका बिहेवियर मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। देखो टाइप ऑफ फ्यूज तो दो तरह के होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम देखा था, लो वोल्टेज वाले होते हैं, हाई वोल्टेज वाले होते हैं, दो तरह के होते हैं। लो वोल्टेज में कौन कौन सा नाम होता है, एक होता है किटकैट फ्यूज, एक होता है एचआरसी। किटकैट आपको अच्छे से याद रह जाएगा, क्लियर है, नहीं है? किटकैट खाते हो ना, एक टॉफी भी आती है शायद इस नाम की, ओके, तो एक किटकैट फ्यूज, एक कौन सा एचआरसी फ्यूज। इसी तरीके से हाई वोल्टेज के कुछ होते हैं, कॉटरेज होता है, लिक्विड होता है, और ये आपका मेटल कलर्ड फ्यूज होता है। ये लिक्विड जो होता है, इसमें जो मेटेरियल लिक्विड जो यूज किया जाता है वो आपका सीसीएल फोर होता है, क्लियर है, ये ध्यान रख लेना, ये इस तरीके से। तो आगे हम चलेंगे तो एक एक की डिटेल पढ़ेंगे, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि कौन कौन से फ्यूज जो है लो वोल्टेज के कौन से हैं, हाई वोल्टेज के कौन से हैं। आपके सिर्फ एक काम में आने वाला है एचआरसी फ्यूज, बाकी एचआरसी फ्यूज जो होगा वो भी कोई अलग नहीं होगा, वो वही होगा जो मैं हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो मैंने आप लोगों को फ्यूज के बारे में पहले ही इतनी डिटेल्स बता दी है कि कोई सा भी फ्यूज है वर्किंग बिहेवियर वही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक वही रहेगी, सिस्टम का कनेक्शन सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, क्लियर है, नहीं है? सिर्फ टाइप के हिसाब से वोल्टेज और करंट की रेटिंग्स क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम, क्लियर है, चले आगे। ओके, देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ओके, फिर भी एक बार आप देख लो। लो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कि जैसे ही मेरा फॉल्ट आए, जैसे ही मेरे हीट डेवलप हो, वो पिघल जाए और पिघल के सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, सर्किट कनेक्शन को क्या कर दे, ओपन कर दे, और मेरे सिस्टम को क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे, क्लियर है, नहीं है? दूसरा क्या होना चाहिए, हाईली कंडक्टिव, मतलब लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उसकी, हाई होनी चाहिए। तीसरा, इट्स फ्री फ्रॉम ऑक्साइडेशन, सर इसका क्या मतलब है, बेटा आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी 11th 12th में, ऑक्साइडेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लियर है, और आपको रिडक्शन पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण, अपचयन, हिंदी में अगर बोले तो, क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोगों ने वहां पे रिएक्शंस पढ़ी होगी, उन रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि जंग जो लगता है, जंग अगर आप लोगों ने देखा हो तो लोहे वगैरह को जब हम बाहर रख देते हैं तो उन पे जंग लगने लग जाता है। जंग क्यों लगता है, तो जंग लगता है आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट में क्या होता है, मॉइस्चराइज होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, मॉइस्चराइज होता है, और इन्वायरमेंट में दूसरी चीज क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जब ये ऑक्सीजन जो होता है इस मॉइस्चराइज का क्या मतलब है, पानी है, ठीक है, और क्या है, हवा, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये पानी और हवा, ऑक्सीजन और H2O जब मॉइस्चराइज, जब ये क्या होते हैं, एक मेटल के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं, खत्म करना शुरू कर देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ये जंग लड़ाई वाली जंग नहीं है, ये जंग लड़ाई वाली नहीं है, ये वो है जो लोहा वगैरह रखा रहता है तो उसके ऊपर लग जाता है और वो इसे क्या करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। क्या करता है, ये जंग की वजह से मटेरियल क्या होता है, डैमेज होता है, क्या होता है, डैमेज होता है। अरे सर मेरा जो फ्यूज है ना, ये फ्यूज भी किसका बना हुआ है, अरे ये किसी ना किसी मेटल का ही बना होगा, किसका बना है, किसी ना किसी मेटल का ही बना होगा। तो क्या अगर इसके कॉन्टेक्ट में अगर इन्वायरमेंट आया, अगर इसके कॉन्टेक्ट में मॉइस्चराइज आया, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो है ही सही, तो इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, जंग लग सकता है, और जंग की वजह से ये क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है, नहीं है? तो हम क्या करते हैं, अधिकतर आपका जो फ्यूज वायर होता है उसको इस तरीके से एक बॉक्स में रख देते हैं, किसके बॉक्स में रख देते हैं, ग्लास के बॉक्स में रख देते हैं, किसके बॉक्स में रख देते हैं, ग्लास के बॉक्स में रख देते हैं, ताकि यहां से हवा वगैरह इससे टच ना हो और आपका ये क्या हो जाए, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट हो जाए। तो वो क्या होता है, ऑक्साइडेशन से बच जाता है। ऑक्साइडेशन से क्या होता है, ऑक्साइडेशन से जंग लगता है, क्या होता है, जंग लगता है। एक मेटल के ऊपर जंग लगना किसकी वजह से होता है, ऑक्साइडेशन की वजह से होता है। चलो आगे की बात करते हैं, यहां पे देखो तो इट्स लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अरे भाई
हर इंजीनियर का सपना, हर आदमी का ख्वाब। क्या ख्वाब है? अरे एक ही ख्वाब है कि चीज कोई भी खरीदूं, काम मेरा अच्छे से अच्छे में हो, लेकिन सस्ते से सस्ते में हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हर इंसान चाहता है कि वो इकोनॉमिकल बने। कैसा बने? इकोनॉमिकल बने, मतलब वो क्या करे, हर सस्ती से सस्ती चीज को यूज करे, लेकिन यूज जो हो वो भी अच्छे तरीके से हो। सही बात है नहीं है? मतलब हम जो मेटेरियल यूज में लेते हैं उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो मेटेरियल ज्यादा महंगा नहीं हो, वो मटेरियल थोड़ा सस्ता हो, जो मेरा काम भी बना दे और फ्यूज के प्राइजेस को भी क्या रखे, कम रखे, जिससे आम पब्लिक भी अपने घरों में क्या यूज कर सके, फ्यूज का यूज कर सके। क्लियर है? नहीं है तो कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब उसका कॉस्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? नहीं है? मेटेरियल देखो, हम बार बार बात कर रहे थे कि मेटेरियल कैसा होना चाहिए। सर हाईली कंडक्टिव होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? मेटेरियल की है। तो अब मैं फाइनली पहुंच जाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कौन सा मेटेरियल यूज में लेते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या यूज में लेते हैं? अलॉय यूज में लेते हैं। अलॉय का क्या मतलब होता है? अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर। अलॉय का क्या मतलब होता है? अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब दो मेटेरियल को अगर तुम लोगों ने मिला दिया और मिला के, वो नहीं बोलते मिश्र धातु, नहीं बोलते मिश्र धातु है, मिक्सचर मेटेरियल। तो मिश्र धातु या मिक्सचर मेटेरियल को क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। तो बेटा ये अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये दो मेटल्स को बना के बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक होता है लेड और एक क्या होता है आपका, टिन होता है। एक लेड होता है, एक टिन होता है। लेड का परसेंटाइल 37 होता है और टिन का कितना होता है, 63 होता है। इन दोनों को मिला के एक अलॉय बनाया जाता है और उस मेटेरियल को हम किसमें यूज में लेते हैं? फ्यूज में लेते हैं। किसमें यूज में लेते हैं? फ्यूज में लेते हैं। सही बात है नहीं है? तो ये क्वेश्चन कभी अधिकतर पूछ लिया जाता है कि फ्यूज वायर में यूज होने वाला मेटेरियल कौन सा होता है। तो फ्यूज वायर कौन सा होता है बेटा? अलॉय होता है। किस किस का मिक्सर होता है? सर लेड का और टिन का, दोनों का मिक्सर होता है। लेड कितना होता है? 37% और टिन कितना होता है? 63%। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये कितनी रेटिंग तक यूज में होता है? सर ये होता है 10 एम्पियर की रेटिंग तक। अगर तुम्हारा सिस्टम में 10 एम्पीयर से कम तक की रेटिंग है तो ये यूज में हो जाएगा। लेकिन अगर रेटिंग ज्यादा हो गई तो सर अगर ज्यादा रेटिंग के ऊपर जो इक्विपमेंट्स यूज में लेते हैं ना, वो हमारे सिस्टम में महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अच्छे इक्विपमेंट्स यूज में लेने पड़ते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जिसकी कंडक्टिविटी और भी ज्यादा हाई हो, इससे भी ज्यादा हाई। अरे हमारे पास जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है वो मेटेरियल कौन सा है? सर सिल्वर। चांदी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, बताओ होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो अगर तुम्हें ज्यादा रेटिंग के लिए यूज में लेना है तो फिर तुम क्या यूज में ले लो? चांदी यूज में ले लो। आप बोलोगे सर चांदी तो महंगी है। तो बेटा अगर ज्यादा रेटिंग के लिए यूज में लेगा तो महंगा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां से आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इट्स अ सिल्वर व्हेन द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इज ग्रेटर देन 10 एम्पियर। अगर इससे भी ज्यादा हुई तो आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा? सर चांदी यूज में लेना पड़ेगा। क्या यूज में लेना पड़ेगा? चांदी यूज में लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है नहीं है? अब देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये आप समझोगे तो समझ लो आपकी नई अपार है। क्लियर है नहीं है? तो ये आपका क्या है, ये है आपका वर्किंग फिनोमिना ऑफ ए फ्यूज। कैसे वर्क करता है, हीट से क्या लेना देना होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उनमें लेंथ एरिया किस तरीके से होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम सबके बारे में पढ़ चुके हैं, मेटेरियल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिविटी वगैरह सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है नहीं है? अब हम थोड़ा और डीपली तरीके से बात करते हैं, अब फ्यूज के बारे में और डीप तरीके से जाते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझ लो, अब आपका पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब हम डीप में एंट्री मार रहे हैं। क्लियर है? अब समझो जरा ध्यान से क्या हुआ। सर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं। सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो सोर्स होता है, हमारा जो सोर्स होता है या हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो बिजली आती है सर एसी। कौन सी होती है? एसी बिजली आती है। सही बात है सर। एसी आती है मतलब सर फुल्ली कैसी होने वाली है, साइनोसोइडल होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। अब सिस्टम में क्या आ गया सर, फॉल्ट आ गया। सिस्टम में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, मतलब इस करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, जब फॉल्ट आता है, तब कौन ऑपरेट करता है, सर फ्यूज ऑपरेट करता है। क्या करता है, पिघल जाता है। किसकी वजह से, हीट की वजह से। हीट क्या होती है, I²RT होती है कि नहीं होती है, सब देख चुके हैं हम। अब देखो ये किस तरीके से पिघलेगा, सोचो, सपोज दैट जब आपके घर में फॉल्ट नहीं था तो एक I अमाउंट ऑफ करंट जा रही थी,
बिल्कुल जा रही थी। अब आपके घर में आया फॉल्ट, फॉल्ट आया तो करंट ने क्या किया, बढ़ना शुरू किया, करंट ने बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। अब आपका फ्यूज की हीट बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 जब हीट की वैल्यू एच के बराबर हो जाएगी, पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बराबर हो जाएगी, एच के बराबर हो जाएगी, तो मेटेरियल पिघलना शुरू करेगा, मेटेरियल पिघलना शुरू करेगा। तो जब हीट की वैल्यू एच तक हो, जब तुम्हारे आई स्क्वायर आर टी जो हीट होगा, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एच के बराबर हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट कर देगा, क्या स्टार्ट कर देगा सर, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, क्या शुरू कर देगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा। तो इस एच तक पहुंचने के लिए इसे जिस करंट की रिक्वायरमेंट है, सपोज दैट उस करंट को मैंने नाम दे दिया आई नोड, क्या नाम दे दिया आई नोड, तो ये करंट कौन सी है, तो ये है आपकी मिनिमम फ्यूजिंग करंट। कौन सी करंट है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसके बारे में, कौन सी करंट है ये आपकी, ये करंट है आपकी बेटा मिनिमम फ्यूजिंग करंट, कि वो वाली करंट जहां पे जाके आपका जो सिस्टम है, जहां पे जाके आपका जो फ्यूज है वो क्या करना शुरू कर दिया है, पिघलना शुरू किया है, पिघला नहीं है, क्या शुरू किया है, पिघलना शुरू किया है, अभी पिघला नहीं है, क्लियर है नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या फ्यूज रिमूव हो गया, क्या क्या आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो फॉल्ट आया था क्या वो खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ है सर, फॉल्ट है अभी भी, मतलब करंट स्टिल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब करंट आपकी इस आई नोड से भी बढ़ रही है, आई नोड से बढ़ती जा रही है, तो फ्यूज क्या करेगा, पिघलेगा, फटाफट पिघलेगा, बिल्कुल सही बात है, फ्यूज पिघलता हुआ जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये कर्व मैंने कैसा बना रखा है, देखो यहां तक आपका सिस्टम में सपोज दैट ये वाला पॉइंट, ये वाली जो करंट है, ये वाला जो नीचे वाला है, सपोज दैट ये मैंने आई नोड को मान लिया, ये मेरा रेफरेंस है, इसके इससे कम अगर करंट रहेगी, इसको मैंने जीरो मान लिया, इससे कम अगर करंट रहेगी आई नोड से, तो क्या आपका फ्यूज पिघलेगा, क्या नहीं पिघलेगा। अब सर क्या फॉल्ट हट गया, क्या नहीं हटा है सर, नहीं हटा है, तो क्या होने वाला है, अगर बेटा तेरे सिस्टम में से अगर फॉल्ट नहीं हटा है, तो जैसे जैसे करंट इससे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे यहां से ये करंट जो है ये बढ़ती जाएगी, तेरा जो आपका फ्यूज है वो क्या करना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा। अब देख फ्यूज कंटिन्यूअसली पिघलता जा रहा है, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि T प्रोपोर्शनल टू 1/I² होता है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी टाइम की वैल्यू कम होगी, टाइम की वैल्यू कम होगी मतलब फ्यूज फटाफट पिघलना शुरू करेगा, फ्यूज क्या करेगा, फटाफट पिघलना शुरू करेगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक फ्यूज पिघलता गया, पिघलता गया, पिघलता गया, पिघलता गया, एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्यूज पूरा का पूरा पिघल जाएगा, पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। जब ये पिघल जाएगा तो मेरी ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से है, यहां पे मेरी क्या है, सप्लाई है, और यहां पे आने वाला जो मेरा फ्यूज था वो मेरा पूरा का पूरा फ्यूज क्या हो गया, पिघल गया है, पिघल के नीचे गिर गया है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुन, दो कंडीशन है यहां पे, दोनों कंडीशनों को ध्यान से समझना बहुत कंपलसरी है। क्या क्या कंडीशन है, कि पहली कंडीशन तो यह है कि जब तेरा फ्यूज क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मेल्ट पूरा नहीं हुआ है, बस पिघल रहा है, कंटिन्यूअसली मेल्ट हो रहा है, कैसा है ये, कंटिन्यू चल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो क्या हुआ सर, जब तक ये मेल्ट होता रहेगा, जब तक मेरे सिस्टम में यहां पे फ्यूज है, अभी ये ओपन सर्किट नहीं हुआ है, बस ये पिघल के नीचे गिरते जा रहा है, सही बात है नहीं है, लेकिन ये टूटा नहीं है, मेल्ट हो रहा है, तो इसके और इसके बीच में अभी भी क्या है, कनेक्शन है, अभी भी यहां पे करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जब ये कंटिन्यूअसली तरीके से मेल्ट होता रहेगा, तो यहां पे क्या होता रहेगा, करंट का फ्लो होता रहेगा, किसका फ्लो होता रहेगा, करंट का फ्लो होता रहेगा, किसकी वजह से फ्लो होता रहेगा, फ्यूज की वजह से, क्योंकि अभी उसने कनेक्शन को ब्रेक नहीं किया है, मतलब फ्यूज अभी भी क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है सर, कंडक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, फ्यूज कंडक्शन कर रहा है। अब क्या होगा सर, फ्यूज एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा पिघल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका फ्यूज होगा वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, फ्यूज पिघल गया, बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है सर, ये सप्लाई से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से कनेक्टेड है, तो यहां वोल्टेज वीएस, यहां वोल्टेज जीरो,
तो दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया सर, वीएस के बराबर आ गया। मान लो जो लगा हुआ फ्यूज था उसकी लंबाई कितनी है, एल है। कितनी लंबाई है उसकी, एल लंबाई है। तो सर अब क्या होगा, तो बेटा मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, V बाई एल के बराबर होगी। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझना है तो डायरेक्ट मैं कैपेसिटर को समझ सकता हूं। क्या बोल सकता हूं कि सर इस तरीके से अगर भी बैटरी किसी कंडक्टर्स के लगी हुई होती है, बीच में यहां पर क्या है, इंसुलेटर है, मतलब कंडक्शन पोर्शन नहीं है, तो अगर यहां वोल्टेज जीरो है, यहां वोल्टेज वी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो एल है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वी बाई एल होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां कौन सा चार्ज होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होने वाला है। और दोनों चार्ज यहां प्लेट पे जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या मूव करते हैं, क्या नहीं, क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। मतलब चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, स्टैटिक होता है। कैसा होता है, स्टैटिक होता है। दो चार्ज होते हैं, एक तो मोशन करने वाला, एक तो मोशन करने वाला जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन, एक होता है स्टैटिक चार्ज जो एक जगह पे बैठा हुआ है। अरे सर मैंने 11 12th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होता है। किसका डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होता है पॉजिटिव से दूर, सही बात है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप करता है और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, सर अपने पास बुलाता है, क्लियर है, पास बुलाती है, ये पास बुलाता है, ये दूर भगाता है, क्लियर है, नहीं है। मतलब सर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो सेम कंडीशन यहां बनेगी कि यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये बोल रहा है भाई कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा मैं ताकतवर आदमी हूं, है इलेक्ट्रिसिटी है मेरे पास, एनर्जी है मेरे पास, तो क्या करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पार्क, क्लियर है, नहीं है। तो यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सर स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। तो स्पार्क कब प्रोड्यूस होगा, क्या जब ये पिघलेगा तब कंडक्शन करेगा क्या, नहीं सर, जब तक ये पूरा नहीं पिघलेगा तब तक तो क्या होता रहेगा, कंडक्शन होता रहेगा। किसकी वजह से, फ्यूज की वजह से। लेकिन जब ये पूरा पिघल जाएगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, सर स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और इस स्पार्क की वजह से भी क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। क्या कैपेसिटर में करंट नहीं जाती क्या, बिल्कुल जाती है, क्लियर है, नहीं है। तो इस स्पार्क की वजह से भी क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। किसका करंट होगा, करंट का फ्लो होगा। ये करंट क्या कंडक्शन वाली करंट होगी क्या, नहीं सर, इस करंट को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सी करंट बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्लियर है, नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो इस स्पार्क की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पे करंट का फ्लो होगा, लेकिन करंंट तो स्टिल जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगा, ये स्पार्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपका फ्यूज क्या कर देगा, इसे ब्रेक कर देगा, क्लियर है, नहीं है। अब इस डायग्राम को आप समझिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ, यहां से लेके जैसे ही आई नोड से करंट बढ़ी तो ये वाला जो कंडक्शन वाला टाइम है वो ये वाला टाइम है। यहां से लेके यहां तक देखो, इस टाइम में यहां से लेके यहां तक आपका जो सिस्टम है इसमें आपका मटेरियल जो फ्यूज है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्या हो रहा है, पिघल रहा है, लेकिन वो क्या करा रहा है, कंडक्शन करा रहा है। अभी तक पूरा नहीं पिघला है तो क्या यहां पे आर्क का प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइम को क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम बोलते हैं, मतलब आर्क आने से पहले, आर्क आने से पहले। अब इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पे जाके आपका मटेरियल, आपका फ्यूज पूरा क्या हो चुका है, पिघल चुका है। तो जैसे ही फ्यूज पिघलेगा सिस्टम बन जाएगा ऐसा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आएगा, आर्क। आर्क की वजह से क्या होगा, कंडक्शन। कौन सी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसकी वजह से यहां पे करंट का फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या जब तक आर्क रहेगी कंडक्शन होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा सर। तो धीरे धीरे यहां पे कौन सा टाइम आ गया,
आर्क आ गया और आर्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे करंट कम होती जाएगी, होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आर्क क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही बात है नहीं है? तो यहां जाके आपके फ्यूज का ऑपरेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपके फ्यूज ने क्या कर दिया, उसे ओपन कर दिया है। बिल्कुल सही बात है नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। तो इस टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, आर्किंग टाइम बोलते हैं। कौन सा टाइम बोलते हैं? आर्किंग टाइम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें आर्क आया और धीरे धीरे आर्क कम होते होते आर्क क्या हो गया, फिनिश भी हो गया। ठीक है, इसमें आर्क प्रोड्यूस भी हुआ और धीरे धीरे कम होते होते यहां पे जाके क्या हो गया, फिनिश भी हो गया। इसमें आर्क आया क्या? नहीं सर, इसमें मेल्टिंग पॉइंट चल ही रहा था और इसमें आपका क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। तो प्री आर्किंग टाइम में हुआ कंडक्शन और इसमें आपका क्या हुआ, आर्क की वजह से कंडक्शन हुआ। तो अगर एक मैं बोलूं कि फ्यूज को ऑपरेट होने में या पूरा अपना काम सक्सेसफुली करने में कितना टाइम लगा, तो सर यहां से उसने काम करना शुरू किया था और यहां पे जाके उसका काम खत्म हुआ है। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो वो हो जाएगा सर मेरा प्री आर्किंग टाइम प्लस माई आर्किंग टाइम। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पूरे फ्यूज का वर्किंग टाइम आ जाएगा कि उसने कितने टाइम में सिस्टम को क्या किया, ऑपरेट किया। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑपरेटिंग टाइम भी बोल सकता हूं। क्लियर है नहीं है? आई थिंक ये क्लियर रहा होगा आपके। आगे चले सर, ऑपरेटिंग टाइम क्या है तो देख लो, ऑपरेटिंग टाइम मतलब यहां से यहां तक पूरा सिस्टम क्या हुआ है, ऑपरेट हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा टाइम आ गया, प्री आर्किंग आ गया और आर्किंग आ गया। तो इट्स प्री आर्किंग टाइम प्लस योर आर्किंग टाइम। आगे देखो सर, प्री आर्किंग टाइम क्या था, प्री आर्किंग टाइम कौन सा था, ये वाला जिसमें फ्यूज क्या हो रहा था, पिघल रहा था। क्या आर्क आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी, क्या कर रहा था, कंडक्शन कर रहा था। देखो तो ये क्या बोल रहा है कि द टाइम एट विच मेटेरियल विल स्टार्ट मेल्ट, जहां पे मेटेरियल क्या करता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है विदाउट आर्किंग। अभी तक आर्क नहीं आई है, मतलब मेटेरियल यहां से यहां तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पिघल ही रहा है। क्या हो रहा है, पिघल ही रहा है। तो उसे बोलेंगे प्री आर्किंग टाइम। सर आर्किंग टाइम क्या है कि सर मेरा मेटेरियल फुल्ली पिघल चुका है, सर्किट ओपन सर्किट हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, आर्क आ रहा है सर। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आर्किंग टाइम बोलूंगा कि टाइम आफ्टर द मेटेरियल स्टार्ट टू मेल्ट एंड फिनिश, कि वो टाइम जब आपका मेटेरियल मेल्ट करना स्टार्ट किया और मेटेरियल करते करते आर्कोस ने क्या कर दिया, फिनिश भी कर दिया। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कट ऑफ करंट, ओके यहां पे एक वर्ड रह गया, कट ऑफ करंट। कट ऑफ करंट क्या है, तो डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, यहां से गया और यहां पे जाके ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जहां पे जाके फ्यूज बिल्कुल क्या हो चुका है, पिघल चुका है। देखो इससे पहले पिघल रहा है, पूरा नहीं पिघला है, यहां पे जाके पूरा पिघल गया है, उसके बाद ही तो आर्क आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो कट ऑफ करंट क्या हुई कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जिस पे जाके आपका फ्यूज जो है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, पिघल चुका है। तो इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन पे आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो कौन सी करंट है, कट ऑफ करंट है। और इस पे क्या बोल सकते हो, इस पे ये भी बोल सकते हो कि एट विच जिस पे जाके तुम्हारा मेटेरियल फुल्ली क्या हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। यहां पे जाके तुम्हारा मेटेरियल फुल्ली क्या हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। तो यहां पे आपका मेटेरियल फुल्ली क्या हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, पूरा पिघल गया है भाई यहां पे जाके। क्लियर है नहीं?